बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, जानेंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं जो आ रही है तटीय आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। वहीं तीसरी बड़ी खबर भी जान लेते हैं। तमिलनाडु में छिटपुट जगह पर काफी भारी बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। वहीं केरल में गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। और सबसे लास्ट पांचवी खबर जो कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से आ रही है, यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट को लेकर, यानी कि मौसम को लेकर कहां कहां किन क्षेत्रों में किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर सावधान रहने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये सब तमाम जानकारी अपने सेगमेंट में हम आपको देंगे इस नक्शे के जरिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन तमाम जगह पर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में और इसके आसपास के कुछ इलाकों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान का रुख कर लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहेगा वो हम आपको इस नक्शे के जरिए बता देते हैं। उत्तर भारत का जब आप रुख करते हैं तो गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और इसके साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगह पर उसके आसपास के जो इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी बरसात की संभावना नहीं है। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी इलाके ऐसे जहाँ पर बरसात नहीं है अभी फिलहाल, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल या फिर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, लेकिन जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है उनमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और ओडिशा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं जब आप दक्षिण का रुख करेंगे आने वाले 24 घंटे में आप देखेंगे कि तेलंगाना, भीतर उत्तर कर्नाटक में और साथ ही साथ अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में भी कई जगह बरसात की संभावना है। भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगह पर बारिश है, साथ ही केरल में भी जोरदार बारिश के आसार है। हालांकि जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे या पश्चिमी भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि इन इलाकों में फिलहाल बरसात नहीं है। मसलन पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, तो यहाँ पर अभी बरसात की संभावना नहीं है। चलिए अब मौसम की चाल आपको बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हाल रहा है। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। वहीं दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो लगातार हम आपको मौसम की चाल बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम का किस तरीके का हाल रहा। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी जानकारी देंगे, यानी कि कहां पर किस तरीके का तापमान रहा, जानेंगे तापमान का हाल। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। जब आप देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की। बिहार और इसके साथ साथ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही दक्षिण का जब रुख करते हैं तो देखेंगे आप कि तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन तमाम जगह पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कच्छ, सौराष्ट्र में और दमन द्वीप में कैसा तापमान रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान कहाँ पर कितना दर्ज किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो तापमान बता रहे हैं हम न्यूनतम तापमान आपको। अब बता देते हैं कि आपको सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया 9.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको अधिकतम तापमान की जानकारी दे देते हैं कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान बताते हुए आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख कर लेते हैं, उसके आसपास के कुछ इलाकों का, क्षेत्रों का रुख कर लेते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो अधिकतम तापमान हम आपको लगातार बता रहे हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये मध्य महाराष्ट्र के डहाड़ू में दर्ज किया गया 36.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने जाना तापमान का हाल, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का तापमान रहा, क्या कुछ स्थिति रही, वो आपको एक नज़र में दिखा देते हैं। तो ये तो जानी आपने तापमान की स्थिति, और भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ता बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है मौसम खबर में। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जान लेते हैं कि कहां पर ये कितना दर्ज किया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं लखनऊ की। यहाँ पर ये 317 दर्ज किया गया और ये भी खराब श्रेणी में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ के बाद पटना का रुख करते हैं। यहाँ पर ये 228 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेंगलुरु की। यहाँ पर AQI 168 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे में 139 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद में AQI 88 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये 100 के अंदर है। कोलकाता में ये 190 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुंबई का AQI क्या रहा। यहाँ पर AQI 241 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब कैटेगरी में माना जाता है। अहमदाबाद में AQI 285 दर्ज किया गया और ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। तो ये तो हमने आपको बताया AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब आगे बढ़ते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जा रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर बुधवार से लेकर शनिवार तक जो अधिकतम तापमान है वो शुरू के दो दिन यानी कि बुधवार और गुरुवार को 11 डिग्री सेल्सियस, तो शुक्रवार और शनिवार को 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के दो दिन ये -2 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शुक्रवार और शनिवार को ये 0 रहेगा। तो गुलमर्ग अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। उत्तराखंड का रुख करते हैं। यहाँ के मसूरी अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 से 9 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। बुधवार के दिन थोड़ा फॉग वाला डे रहने वाला है, गुरुवार को थोड़ी धूप खिली रहेगी, तो शुक्रवार और शनिवार को एक बार फिर से जो धुंध है, जो कोहरा है वो छाया रहेगा। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि शुरू के 3 दिन फॉग वाले रहने वाले हैं और शनिवार यानी कि चौथे दिन अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 30 डिग्री सेल्सियस और लास्ट के 2 दिन यानी कि आखिरी 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो बुधवार और गुरुवार शुरू के 2 दिन ये 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, शुक्रवार और शनिवार बाकी के 2 दिन ये वाराणसी में 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वाराणसी के बाद आगे बढ़ते हैं बिहार के गया का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही दिन धुंध रहेगी, फॉग रहेगा बुधवार से लेकर शनिवार तक। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 4 दिन के अंदर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि पहले और आखिरी के दिन 14 डिग्री सेल्सियस और बीच के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस। असम के सिलचर अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन यहाँ पर धूप रहेगी लेकिन कोहरा भी रहेगा, धुंध भी रहेगी। शुक्रवार शनिवार लास्ट के जो 2 दिन है ये फॉग रहेगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 29 और 30 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुरू के 2 दिन 23 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सिलचर में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद ही सिक्किम का रुख कर लेते हैं। सिक्किम के गंगटोक अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि पहला दिन जो है बुधवार का धूप भी रहेगी लेकिन फॉग भी रहेगी, लेकिन गुरुवार से लेकर शनिवार यानी कि बाकी के 3 दिन अच्छी खासी कड़क धूप रहेगी और अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले दिन 18 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन ये 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो पहला दिन 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बाकी के 3 दिन ये 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद का रुख कर लेते हैं। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी बुधवार से लेकर शनिवार तक। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 31 से 32 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 19 से 20 रहेगा।
यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के दो दिन 32 रहेगा, बाकी के दो दिन 31 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के दो दिन 19 रहेगा, बाकी के दो दिन 20 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के दो दिन बारिश रहेगी और बाकी के दो दिन थोड़ी घटा रहेगी लेकिन धूप भी खिली रहेगी। इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 23 और 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। इनके पहले दिन 23, फिर 22 और उसके बाद दो दिन और 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस। तो ऊटी में आपने पर्यटन पूर्व अनुमान जाना, अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। यहाँ के औरंगाबाद अगर आप जाना चाह रहे हैं तो शुरू के दो दिन अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। शुक्रवार को एक बार फिर से बरसात हो जाएगी लेकिन शनिवार को थोड़ी धूप और थोड़ी सी जो घटा है वो देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 31 से 33 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 14 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो औरंगाबाद में बुधवार से लेकर शनिवार तक चार दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। गुजरात के अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो चारों दिन अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 और 34 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और न्यूनतम तापमान 20 और 21 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि बुधवार को 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, फिर गुरुवार को फिर से 33 हो जाएगा, शुक्रवार को फिर 34 हो जाएगा और शनिवार को भी 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। तो ये तो आपने जाना पर्यटन पूर्व अनुमान। अब अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो मौसम चल रहा है वो बुवाई और कटाई के हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन बुवाई और कटाई के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो किसानों को कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ राय है, वो हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर लें, साथ ही सरसों की बुआई करें। वहीं धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, इसके साथ ही उड़द के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इस समय टमाटर की रोपाई करते रहें, वहीं बैंगन की भी रोपाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में प्याज की बुआई करें, इसके अलावा मक्के की कटाई करें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालते रहें। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। यहां सोयाबीन की कटाई करें। इस समय धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं, वहीं आलू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर लें, वहां फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। यहीं के किसान तिल की बुआई करते रहें। इसके अलावा मटर की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में मूंग भी बोएं। अभी टमाटर के खेत से घास फूस निकालें। किसान लाल मिर्च और बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल लें। तो ये तो जाना आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसानों को, किन चीज़ों में बुवाई से पहले करना क्या कुछ करना चाहिए, कटाई के वक्त क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन और क्या कुछ करना चाहिए ये बता रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक श्री आशुतोष मिश्र। सर्वप्रथम हम बात करेंगे देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरला की, जहाँ पर अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसके चलते इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग स्थगित करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ यह भी सलाह दी जाती है कि धान की कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रख लें। लगातार वर्षा होने के कारण कुछ फसलों जैसे हल्दी, कपास और मक्का इत्यादि में जल जमाव की स्थिति से बचने के हेतु अतिरिक्त जल के निकास की सलाह भी दी जा रही है। तेज हवा चलने की संभावना को देखते हुए ऐसी गन्ने की फसलें जिनको 5 माह या उससे अधिक समय में व्यतीत हो चुका हो, उनके 4-5 सूखे पत्तों को एक साथ बांध दें जिससे कि उनको गिरने से बचाया जा सके। आंध्र प्रदेश में जिन स्थानों पर मौसम साफ बना हुआ है वहां पर धान की कटाई कर सकते हैं। जिन स्थानों पर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर धान की नर्सरी बुआई तथा चना, मक्का, मूँगफली, उड़द और मूँग की बुआई कर सकते हैं। तेलंगाना में धान की कटाई और कपास की तुड़ाई जारी रखी जा सकती है। जिन स्थानों पर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर धान की नर्सरी बुआई, इसके अलावा चना, मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द और अरहर की बुआई भी की जा सकती है। कर्नाटक में परिपक्व धान, मूंगफली, मक्का और सूरजमुखी की कटाई तथा कपास की तुड़ाई जारी रख सकते हैं। गन्ने की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। गेहूँ,
चना और सब्जी वाली फसलों की बुआई भी जारी रख सकते हैं। अब बात करेंगे देश के उत्तरी राज्यों की, जहां पर मौसम सामान्यतया शुष्क बना रहेगा, अतः सामान्य कृषि गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। इस क्रम में हिमाचल प्रदेश में गेहूं और जौ की बुआई जारी रख सकते हैं, प्याज का प्रतिरोपण भी किया जा सकता है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मटर, मूली, गाजर, पालक, मेथी इत्यादि की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर परिपक्व बासमती धान की कटाई जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की सलाह दी जाती है। मृदा में उपलब्ध नमी की को ध्यान में रखकर गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। उत्तराखंड में परिपक्व अरहर की कटाई यथाशीघ्र कर लें, प्याज की नर्सरी बुआई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। अगैती गेहूँ की फसल जिसको कि 20 से 25 दिन पूर्ण हो चुके हों, वहाँ पर हल्की सिंचाई देना न भूलें। इसी प्रकार पीली ली सरसों यदि फूल आने की अवस्था में हो तो वहाँ पर भी हल्की सिंचाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, सरसों, चना, मटर और गाजर की बुआई करें। गन्ने एवं लहसुन की रुपाई भी कर सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि किन किन हिस्सों में मौसम के अकॉर्डिंग किस चीज़ की बुवाई करनी चाहिए और तुड़ाई कब करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है आज की फसल। आज की फसल है हरी प्याज, और जो मौसम चल रहा है इस समय में सबसे ज़्यादा जो सही रहेगा वो है पूसा सौम्या किस्म। इस किस्म के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय चल रहा है, लेकिन इस हरी प्याज की खेती के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। एक हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। एक हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। तो ये तो आपने जाना आज की फसल के बारे में। इसके साथ साथ इस शो में आपने कई सारी जानकारियां ली हैं, लेकिन अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस शो को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।